हेलो फ्रेंड्स, मुद्रा एकेडमी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोलता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोल रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। आपको क्या करना है, क्यूब्स को एक्सपैंड करना है और अलग अलग 4 पार्ट में क्वेश्चन गिवन है। तो फ्रेंड्स, जो ये क्यूब गिवन है आपको, उसको कैसे एक्सपांड करेंगे, उसके लिए कुछ आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे। जो आइडेंटिटीज यूज होगी मैंने यहाँ पर लिख के रखी हुई है। जो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी हमारी x प्लस वाई का होल क्यूब वाली, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और सेकेंड आइडेंटिटी होगी वो होगी हमारी x माइनस वाई का होल क्यूब, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1। पार्ट 1 में आपको गिवन है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब फ्रेंड्स, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे By using identity, इसमें देखिए दोनों टर्म्स आपके प्लस में गिवन है, तो इसमें अपनी कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, इसमें हम प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, वो x प्लस वाई का होल क्यूब वाली प्लस की आइडेंटिटी। और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब जब कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x एंड y की प्लेस पर यहां पर क्या गिवन है, 2x एंड 1। मींस हियर वी गेट, आपको क्या मिल जाएगी, यहां से x एंड y की वैल्यू मिल जानी है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x आइडेंटिटी में गिवन है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 2x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर हमारी 2x, और y की प्लेस पर क्या गिवन है 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये वैल्यूज को पुट कर दीजिए आइडेंटिटीज में तो आपको मिल जाएगा क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ आप पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब, दैट इज 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स, दैट मीन 2x इंटू वाई। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, x एंड y को जो आइडेंटिटीज में है उनको रिप्लेस कर रहा हूं 2x एंड 1 से, तो जाएगा 3 इंटू 2x इंटू 1 और ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 1। अब आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, आपको एक्सपांडेड फॉर्म मिल जाएगा क्यूब का, तो 2x का क्यूब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2x का क्यूब हो जाएगा हमारा 8x क्यूब। क्यों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2x इंटू 2x इंटू 2x, तो क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होना है हमारा, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 1, ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 टू जा 6 एक्स, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2x प्लस 1। चलिए तो और ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स 8x क्यूब प्लस 1, अब 6x का क्या होगा, 6x का फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाइड होगा और 6x का सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लाइड होगा ब्रैकेट का, तो जब फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 6 टू जा 12 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर, और जब 6x का 1 में मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 6x का 1 में जब मल्टीप्लाइड होगा तो हमें मिलेगा 6x। अब इसको x की पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए तो हो जाएगा हमारा आंसर 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 का हमें आंसर मिल गया। पार्ट 1 में आपको क्या गिवन था, 2x प्लस 1 का आपको क्यूब फाइंड करना था, और ये हमारा का हो गया आंसर। इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। फ्रेंड्स, आई होप आपने राइट डाउन कर लिया होगा, अगर राइट डाउन नहीं कर पाए हो तो वीडियो रिज्यूम करके आप राइट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको गिवन है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो जो हमारी x माइनस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी थी वो हम यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब, और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता था, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर क्या है, x माइनस वाई का क्यूब, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2a माइनस 3b का क्यूब, दैट मींस x की प्लेस पर आपको क्या गिवन है, 2a, एंड y की प्लेस पर आपको क्या गिवन है, 3b। तो यहां से x की वैल्यू, हियर वी गेट x वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी हमारी, 2a, एंड वैल्यू ऑफ y दैट इज 3b।
अब ये एक्स एंड वाई की वैल्यूज आप पुट कर दीजिए आइडेंटिटी में, आपको क्या मिल जाएगा इस आइडेंटिटी में पुट करने पर, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा यहां से सॉल्व करेंगे कैसे, नाउ एक्स माइनस वाई का क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b का क्यूब इज इक्वल टू, ये होता है एक्स क्यूब तो हो जाएगा 2a का क्यूब माइनस वाई क्यूब तो हो जाएगा 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, तो एक्स की प्लेस पर 2a, वाई की प्लेस पर 3b, ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई दैट इज 2a माइनस 3b। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2a का क्यूब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसे हमने 2x का मल्टीप्लाई किया था 3 टाइम्स, वैसे हम किसका कर देंगे 2a का, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 2 8 एंड a इंटू ए हो जाएगा आपका a क्यूब, हो जाएगा आपका क्या 2a का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 8a क्यूब। सेम 3b का जब आप क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b इंटू 3b इंटू 3b, 3 3 9 9 3 27 यह आ जाएगा आपका 27 b इंटू b इंटू बी बी क्यूब, तो आपका यह हो जाएगा माइनस 27 बी क्यूब। अब ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 6 3 18 18 a इंटू बी, तो ये हो जाएगा क्या आपका 18 ए बी ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। चलिए आगे और सॉल्व कर देते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27 बी क्यूब। आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 ए बी का फर्स्ट टर्म में, देन आफ्टर सेकेंड टर्म में, तो जब फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई होते रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस 18 2 36 ए बी में ए का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर बी। सेकेंड टर्म में होगा जब माइनस 18 ए बी का तो माइनस माइनस का प्लस 18 3 54 ए बी का बी में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2a माइनस 3b का होल क्यूब जो आपको सॉल्व करने बोला गया था। ये हो गया आंसर पार्ट टू का। तो फ्रेंड्स आपका ये था पार्ट टू, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पार्ट 3 में गिवन है 3/2x + 1 का क्यूब, आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो इसके एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हमारे ये दोनों टर्म किस में दिए हैं प्लस में दिए हैं, तो इसमें लगाएंगे हम अपनी प्लस वाली आइडेंटिटी। तो सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन और उसमें लिखेंगे वाई यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप जब कंपेयर करेंगे तो देखेंगे आइडेंटिटी में आपका क्या रहता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, यहां क्या गिवन है 3/2x + 1 का क्यूब, तो x की प्लेस पर क्या गिवन है आपको 3/2x और y की प्लेस पर क्या गिवन है 1, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 3/2x और y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 1। अभी दोनों वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए आइडेंटिटी में, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3/2x + 1 का क्यूब, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है एक्स क्यूब, तो हो जाएगा क्या 3/2x का क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब प्लस 3x इंटू वाई, तो 3 × 3/2 × x वाई की प्लेस पर 1, और ये हो जाएगा 3/2x + 1। आइडेंटिटी में x प्लस वाई होता है, यहां आ जाएगा 3/2x + 1। अब चलिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, तो 3/2x का क्यूब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 3/2x का क्यूब हो जाएगा आपका, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका 3/2x का, तो 3/2x × 3/2x × 3/2x, तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 3 27 x × x × x x³, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होगा तो 2 2 4 2 8, तो ये मिल जाएगा 27/8x³, तो ये होगा क्या हमारा 27/8x³, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3/2x में होगा तो हो जाएगा क्या प्लस का 3 3 9 2 × x, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका क्या 3/2x + 1। अब आगे सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 27/8x³ + 1। अब जब 9/2x का फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाइड होगा देन सेकेंड टर्म में भी मल्टीप्लाइड होगा, जब फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 9 3 27 2 2 4 x × x x², तो मिल जाएगा 27/4x², और इसके बाद जब फर्स्ट टर्म में होगा तो हो जाएगा
नाइन बाई टू एक्स का वन में मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा नाइन बाई टू एक्स। तो ये आंसर जब एक्स की पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय एक एक्स क्यूब प्लस 27 बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये हो गया आपका पार्ट 3 का आंसर। पार्ट 3 में आपको क्या गिवन था, आपको गिवन था 3 बाय 2 एक्स प्लस 1 का क्यूब आपको फाइंड करना था। ये हो गया उसका आंसर। फ्रेंड्स इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4। ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 4 में आपको गिवन है x माइनस 2 बाई 3 वाई का होल क्यूब। अब आपको इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, इसमें दोनों टर्म के बिटवीन में माइनस साइन हो, तो दोनों टर्म के बिटवीन में माइनस साइन किस में था, x माइनस वाई का होल क्यूब में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे जो हम अपने पिछले पार्ट्स में भी लिखते आ रहे हैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। आप ये लिखेंगे, इसके बाद आप कंपेयर करेंगे तो आपको आइडेंटिटी में क्या गिवन रहता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स माइनस 2/3 का 2/3 इंटू वाई का होल क्यूब। तो यहां से आपको एक्स की प्लेस पर क्या मिल जाएगा, एक्स। दैट मीन्स आपको यहाँ एक्स की प्लेस पर मिल जाएगा एक्स, वाई की प्लेस पर क्या हो जाएगा 2 × 2/3 इंटू वाई। ये हो जाएगी वाई की वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे आइडेंटिटी में तो आपको मिल जाएगा इसका एक्सपांडेड फॉर्म। नाउ आप LHS में पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये क्या गिवन है आपको, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा क्या, x माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब। अब LHS में पुट करेंगे राइट हैंड साइड में वैल्यूज, तो x की वैल्यू x, y की वैल्यू माइनस y क्यूब था तो माइनस 2/3 y का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स दैट इज x, y की वैल्यू क्या है 2/3 y, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 2/3 y। तो हमने सारे एक्सेस को x से और y को रिप्लेस कर दिया 2 / 2/3 y से इस आइडेंटिटी में। तो आपको जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका एक्सपांडेड फॉर्म। चलिए ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं, x का क्यूब क्या होने वाला है हमारा, x क्यूब माइनस 2/3 y का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 y इंटू 2/3 y इंटू 2/3 y। तो 2 × 2 = 4 × 8 y इंटू y इंटू y 8 y क्यूब आ जाएगा आपका न्यूमिरेटर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 × 3 × 3 दैट इज 27। तो ये हो जाएगा आपका क्या 8 y क्यूब डिवाइडेड बाय 27। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3 कैंसिल हो जाएगा 2 × xy, ये क्या हो जाएगा 2 × xy, और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2/3 y। अभी ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा x क्यूब माइनस 8 y क्यूब अपॉन 27 माइनस प्लस माइनस का माइनस 2x का मल्टीप्लाइड होगा x में, सॉरी 2xy का मल्टीप्लाइड होगा x में एंड 2xy का मल्टीप्लाइड होगा 2/3 इंटू x में। तो जब फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाइड होते रहेगा तो क्या मिल जाएगा, ये 2x²y, x का मल्टीप्लाइड होगा x में, xy में तो क्या हो जाएगा x² इंटू y, और जब सेकेंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस माइनस का प्लस 2 × 4/3 xy का मल्टीप्लाइड होगा y में तो मिल जाएगा xy². तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 जिसमें आपको गिवन था x माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब का आपको एक्सपांडेड फॉर्म फाइंड करना था, ये उसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।